कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्यकर्ता जुड़ेंगे। इस पर कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ताम्रध्वज साहू ने इस प्रकार से जानकारी दी। का जो कार्यक्रम है वो ओबीसी डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ओबीसी डिपार्टमेंट का मुझे चेयरमैन बनाया है और तब से हम पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश में ओबीसी का संगठन तैयार कर रहे हैं। इसके पहले तालकटोरा स्टेडियम में हम लोगों ने कार्यक्रम 11 जून को किया था। अभी हम लोग हर स्टेट में बॉडी बना लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट बॉडी, ब्लॉक बॉडी, बूथ बॉडी तक पहुंच गए हैं। कल जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे भारतवर्ष के ओबीसी का राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम है और उद्देश्य है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाना, ओबीसी की मदद से आदरणीय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना, इस उद्देश्य को लेकर पूरे देश के ओबीसी वर्ग जुड़ रहा है और इसमें लगभग 40-50 हज़ार की संख्या में ओबीसी जुड़ेंगे, जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम है। गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर द प्रोग्राम सर, कार्यक्रम होने के बाद किस तरह से डाउनलाइन होगी स्टेट लेवल पे और सिटी लेवल पे, किस तरह से उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे? कार्यक्रम के बाद सब अपने राहुल जी मैसेज देंगे कि अभी तक हम लोगों ने जो संगठन बनाया है और जो काम हम कर रहे हैं उसमें चुनाव के मद्देनज़र और हमको क्या कार्यक्रम करना चाहिए, क्या क्या उसमें नया बात होगा, किस बात को लेकर हम जनता तक जाएंगे, पिछड़े वर्ग की और सक्रिय भूमिका चुनाव जीतने में, सरकार बनाने में क्या होगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का निर्देश हम सबको मिलेगा और उनके निर्देश को लेकर जाएंगे और बूथ लेवल तक हमारे सब साथी काम करेंगे।